एक व्यूवर का क्वेश्चन है कि इन हार्मनी विद क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हमें कब बोलना चाहिए इन हार्मनी विद। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। इन हार्मनी विद का मतलब होता है किसी चीज से ताल मिलाकर या किसी चीज से ताल मेल बिठाकर, यानी किसी चीज को अनदेखी कर नहीं बल्कि उसको साथ लेकर। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो हमें कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर रहना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी शुड लिव इन हार्मनी विद नेचर, यानी हमें नेचर के साथ तालमेल बिठाकर रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि हमें नेचर को अनदेखी करके नहीं रहना चाहिए या उसे नजरअंदाज करके नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कहना हो एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट से तालमेल बिठाकर पढ़ाता है या तालमेल मिलाकर पढ़ाता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अ गुड टीचर टीचेस इन हार्मनी विद हिज स्टूडेंट्स, यानी एक अच्छा टीचर अपने विद्यार्थियों के साथ तालमेल बिठाकर पढ़ाता है। इस बात को दूसरे अंदाज में ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट्स के जज्बात को नजरअंदाज करके या दरकिनार करके नहीं पढ़ाता है। अगर आपको कहना हो वह अपनी बीवी के साथ तालमेल बिठाकर नहीं रह सका, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही कुड नॉट लिव इन हार्मनी विद हिज वाइफ, यानी वह अपनी बीवी के साथ तालमेल बिठाकर नहीं रह सका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि इन हार्मनी विद का मतलब होता है किसी चीज से तालमेल बिठाकर। अगर आपको कहना हो आपको इसके साथ तालमेल बिठाकर रहना होगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू विल हैव टू लिव इन हार्मनी विद दिस, यानी आपको इसके साथ तालमेल बिठाकर रहना होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि इन हार्मनी विद का मतलब होता है किसी चीज से तालमेल बिठाकर रहना, यानी किसी चीज को नजरअंदाज कर नहीं या अनदेखी कर नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।